सो लेट्स गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं Realme C12 डिवाइस के अंदर ऐप लॉक सेटिंग्स का आप यूज कैसे कर सकते हैं। ऐप लॉक सेटिंग्स काफी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है एंड गाइस अब आपको Realme के भी आपको सारे के सारे फीचर्स के बारे में पता चलेगा। धीरे धीरे मैं आपको इस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाता रहूंगा जिससे आप इसके जितने भी सेटिंग्स हैं, जितने भी आपको एक्स्ट्रा फीचर्स वगैरह, इवन गाइस इन फिंगर लॉक भी इसके अंदर मैं बताऊंगा लगाने का तरीका, वो सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। हालांकि आज हम जानते हैं C12 डिवाइस के अंदर ऐप लॉक आप सेटिंग्स का यूज कैसे कर सकते हैं। मेरा जो डिवाइस है C12 है तो डोंट वरी, आपको कोई भी सेटिंग्स वगैरह कहीं डिफरेंट नहीं मिलेगी। हालांकि मोस्टली क्या होता है, Realme और Oppo में ऑलमोस्ट सेम सेटिंग्स मिलती है तो आपको यूज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको क्या करेंगे हम इसके लिए, जस्ट आपको सेटिंग्स को ओपन करना है ऐप लॉक के लिए। इसके बाद आपको जाना होगा प्राइवेसी एंड बायोमेट्रिक्स वाले सेटिंग्स के अंदर। आप इसको ओपन कर लेना, एक बार सिंगल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर ऐप लॉक तो आ रहा है यहाँ पर, लेकिन हम इसको बनाएंगे कैसे, इसके अंदर तो पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। उससे पहले ऐप लॉक को तो डायरेक्टली हम यहाँ से कर सकते हैं, तो ऐप लॉक बनाने के लिए हमें यहाँ पासवर्ड क्रिएट करने के लिए हमें प्राइवेसी पासवर्ड पर क्लिक करना है। हालांकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करा है, इसको मैं सबसे पहले डिसेबल करता हूँ ताकि मैं प्रॉपरली आपको समझा सकूँ एक तरीके से कि कैसे हमें इसे यूज करना है। तो मैं यहाँ से पासवर्ड को डिसेबल कर लेता हूँ। कंप्लीट पासवर्ड डिसेबल हो चुका है, सेट प्राइवेसी पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, 6 डिजिट का पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ पर ऐसे अगर टाइप करूँ तो 6 डिजिट का पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। बिकेज यहाँ पर हम चाहें तो यूज अ डिफरेंट पासवर्ड टाइप पे क्लिक करके यहाँ से पिन पैटर्न्स का भी यूज कर सकते हैं। मैं पैटर्न का यूज करूंगा, यहाँ पर एक बार पासवर्ड डालिए, अगेन उसी पासवर्ड को डालिए। आप इस वाले इंटरफेस पे आएंगे, यहाँ पर आप कुछ भी एक रैंडम सा क्वेश्चन डाल कर दीजिए जो आपको याद रहे, और यहाँ पर रिकवरी ईमेल आईडी भी डालना चाहे तो डाल सकती है। पासवर्ड जब भूल जाते हैं आप, जैसे बोलते हैं ना आप लोग सर पासवर्ड भूल गए कैसे रिकवर करें, तो आप इसी पासवर्ड से भी रिकवर कर सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि रीसेट करना फोन को, ऐसा कुछ करना है, आप इसी पासवर्ड से रीसेट कर सकते हैं। हालांकि आप ध्यान देना, आप यहाँ से क्वेश्चन को चेंज भी कर सकते हैं, जिस क्वेश्चन को सेलेक्ट करेंगे उसी क्वेश्चन को आप सेलेक्ट करके यहाँ पर उस वाले आंसर को एंटर करना और आपका पासवर्ड जो है रिकवर हो जाएगा इजीली। अब यहाँ पर सब कुछ चेंज हो चुका है, मींस कि सब कुछ सेट हो चुका है। एप्लीकेशंस को हमें लॉक करने के लिए ऐप लॉक वाले पे क्लिक करेंगे। हाइड ऐप पे क्लिक हो रहा है तो मैं ऐप लॉक पे कर लेता हूँ क्लिक। ऐप लॉक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने कुछ एप्लीकेशंस को ऑलरेडी पहले लॉक किया था, बोल रहा है कि आप उसे रीस्टोर करना चाहते हैं या फिर डू नॉट रीस्टोर करना चाहते हैं। अगर आपको उसे रीस्टोर करना है तो आप रीस्टोर पे क्लिक करते, जो एप्लीकेशंस पहले लॉक थी वही अगेन लॉक्ड हो जाएंगी। लेकिन अगर आप डू नॉट रीस्टोर पे क्लिक करते हैं तो ये रीस्टोर नहीं करेगा, आपको फिर से एक न्यू तरीके से आपको यहाँ पर एप्लीकेशंस को लॉक करनी होगी। तो मैं यहाँ से कुछ एप्लीकेशंस को लॉक कर देता हूँ ताकि आपको मैं दिखा पाऊँ डेमो करके कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती है। देखो अब लॉक कर दिया, अब आपको दिखाना भी पड़ेगा कि एप्लीकेशन लॉक होती है। इसको हम कट करेंगे यहाँ से, एप्लीकेशन हमने लॉक करी है उसे यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पर क्रोम ब्राउजर को लॉक किया था, तो मैं सबसे पहले क्रोम ब्राउजर को ओपन करूँगा। यहाँ पर क्रोम ब्राउजर हमारा, इस क्रोम को ओपन करूंगा तो यहाँ पर पासवर्ड एंटर करने के लिए बोल रहा है, तो जस्ट आपको टाइप कर देना वही पासवर्ड जो आपने बनाया था। मैंने इसको बनाया था, मैंने टाइप करा, हमारा यहाँ पर क्रोम ब्राउजर प्रॉपरली और इजीली ओपन हो चुका है। मैंने कुछ एप्लीकेशन को और लॉक करा था, सब में आपको वहाँ पर पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। हालांकि देखते हैं कितना ज़्यादा फास्टली वर्क करता है। अभी अगर देखेंगे तो तुरंत रिसेंटली हमने इसको यूज़ करा तो रिसेंटली ये काम नहीं कर रहा है, बेसिकली थोड़ी टाइम बाद ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। कुछ फोनों में इसका इंस्टेंटली और 1 मिनट लॉक, 2 मिनट लॉक करके ऑप्शन होते हैं, या फिर आपका फोन जब लॉक क्लोज हो जाता है तब लॉक होता है, ऐसे केस में होता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी लॉक नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ से अगर इसको हटा देते हैं, यहाँ से इसको हटा कर ट्राई करते हैं। मैंने यहाँ से क्रोम से इसको हटा दिया है, मे बी शायद हाँ क्रोम से हटा दिया। आप देखते हैं इसको लॉक कर रहा है कि नहीं, अभी भी ये लॉक नहीं कर रहा है। ये उतना ज़्यादा एडवांस फीचर नहीं है, मुझे लगा इसका रियलमी का और ओप्पो का ऐसे दोनों सेम चीज़ें काम करती है, बट वीवो में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपने एक बार इसको अनलॉक कर दिया तो उसमें फीचर्स होते हैं कि आप जो है इंस्टेंटली चाहते हैं तो तुरंत बाद ही लॉक हो जाता है। तो मुझे बताना ये ऐप लॉक कैसा रहा आपके फ़ोन के अंदर, आपको कैसा लगा ये फीचर्स वगैरह। ये इंस्टेंटली लॉक होना चाहिए बिकॉज इसमें नहीं होता ऐसा, लेकिन एप्लीकेशन लॉक आप ऐसे ही कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर। आई होप गाइस आप समझोगे कैसे करना है। फिर भी अगर आपके मन में इससे रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूजन वगैरह है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।